काशी से भव्य, अयोध्या से दिव्य, महाकाल का दर अद्भुत अलौकिक, बाबा महाकाल का नया संसार रोशनी से जगमगा उठा दरबार। 108 स्तंभ, 200 प्रतिमा, महाकाल की अकल्पनीय गरिमा, भव्य दिव्य अद्भुत अलौकिक और वैभव से परिपूर्ण बाबा महाकाल का दरबार अनुपम छटा बिखेर रहा है। पूरा कॉरिडोर रोशनी से ऐसे जगमगा रहा है जैसे मानो दिवाली हो। महाकाल के आंगन को फूलों से सजाया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नए परिसर श्री महाकाल लोक को शिव भक्त प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को समर्पित किया है। भव्यता का कोई सानी नहीं, दिव्यता का कोई जवाब नहीं। बाबा की महिमा जितनी निराली है उतना ही अलौकिक है महाकाल कॉरिडोर। उज्जैन में महाकाल का दरबार बेहद ही अद्भुत और अकल्पनीय रूप में तैयार किया गया है। कॉरिडोर में लगी एक एक मूर्तियां, एक एक दीवार और हर एक कोना अद्भुत छटा बिखेर रहा है। कॉरिडोर की चमक ऐसी कि दिलो दिमाग में आस्था का ज्वार उमड़ पड़े। कॉरिडोर में मौजूद भोले की मूर्तियां बेहद ही विहंगम है। रुद्र सागर के किनारे आकार ले रहा ये कॉरिडोर बाबा महाकाल के दरबार में चार चांद लगा रहा है। महाकाल कॉरिडोर देश का पहला ऐसा धार्मिक कैंपस है जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे डेवलप हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से चार गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर को बनाने में 793 करोड़ का खर्च आया है, जबकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर 800 करोड़ रुपए की लागत आई थी। महाकाल कॉरिडोर के एरिया की बात करें तो ये 20.23 हेक्टेयर होने वाला है, जबकि काशी कॉरिडोर 5 हेक्टेयर का है, यानी चार गुना ज्यादा बड़ा है महाकाल कॉरिडोर। महाकाल कॉरिडोर के लिए 152 भवन का अधिग्रहण किया गया, जबकि काशी कॉरिडोर के लिए 315 भवन का अधिग्रहण किया गया था। इससे पहले इस कॉरिडोर का दायरा 2.82 हेक्टेयर था, जिसे बढ़ाकर 20.23 हेक्टेयर कर दिया गया। पहले चरण में महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रुद्र सागर तालाब के किनारे को डेवलप किया गया है, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट में 11 ऐसी खास जगह होंगी जिनका या तो विकास होगा या फिर रीडेवलप किया जाएगा। दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता के इस संगम ने चार साल की मेहनत के बाद आकार लिया है। श्री महाकाल लोक के बन जाने से दर्शन व्यवस्था में महाकाल मंदिर देश का सबसे सुव्यवस्थित मंदिर बन गया है। ये व्यवस्था अगले 50 साल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सबसे खास बात यह है कि अब कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, बाबा का दर्शन करना बेहद ही आसान होगा। ऐसी व्यवस्था की गई है कि 1 घंटे में 30,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर में सुंदरता के साथ साथ श्रद्धालुओं को शिवरात्रि, नागपंचमी और सिंहस्थ जैसे त्योहार पर दर्शन की ऐसी बेहतर व्यवस्था बनाई गई है जो देश के किसी मंदिर में नहीं है। किसी भी त्योहार पर ना तो महाकाल पहुंचने वाले वाहनों को शहर से दूर रोका जाएगा और ना ही कई किलोमीटर पैदल चलना होगा। महाकाल की महिमा इतनी निराली है कि एमपी के उज्जैन में महाकाल से बड़ा कोई नहीं है, सरकार भी नहीं। उज्जैन में आज भी इन्हीं का शासन चलता है। एक खास बात ये भी है कि प्रदेश और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे पीएम या फिर सीएम यहाँ रात में नहीं रुकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों ने ये गलती की उनकी कुर्सी चली गई। इस लिस्ट में देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके बीएस येदियुरप्पा का नाम शामिल है। बहरहाल उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बाबा महाकाल का दर्शन कर चुके हैं।